दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, बीटीएस मेंबर जीन एक बिगेस्ट ईटर हैं और काफ़ी लोग इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि इतने ज़्यादा खाने के बाद भी बीटीएस मेंबर जीन इतने ज़्यादा स्लिम कैसे हैं। और दोस्तों, जिन बहुत ही ज़्यादा प्राउडली कहते हैं कि वो बीटीएस में सबसे ज़्यादा खाते हैं और लाइव के दौरान भी जिन मुकबंग वीडियो के साथ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बीटीएस मेंबर जिन जितने अच्छे से खाते हैं वो उतने ज़्यादा ही अच्छे से कुकिंग भी करते हैं और बड़े बड़े शेफ्स भी जिनकी कुकिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। पर दोस्तों, एक बिग ईटर होने के बाद भी जिनकी जो डाइट रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड कर देने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जिन अपने खाने में कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, सारे ही बीटीएस मेंबर्स अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं और बीटीएस मेंबर जिन के यूनिक डाइट और एक्सरसाइज उनकी बॉडी को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाती है। और दोस्तों, बीटीएस मेंबर कहते भी हैं कि जिनकी अमेजिंग बॉडी को देखकर उन्हें जेलेसी भी होती है। इसके साथ ही दोस्तों, बीटीएस मेंबर जंगकुक का कहना है कि अगर उनकी बॉडी जिन के जैसी होती तो वो कभी भी वर्कआउट नहीं करते। दोस्तों, जिन की वाइट शोल्डर एक्सरसाइज के बाद उनकी बॉडी को और भी ज्यादा अमेजिंग बना देती है। और दोस्तों, प्लीज टेक केयर ऑफ माय रेफ्रिजरेटर शो के दौरान बीटीएस मेंबर जिन ने बताया था कि पूरे साल वो दिन भर में सिर्फ 2 चिकन ब्रेस्ट ही खाते थे। इसलिए नहीं कि वो मोटे थे, बल्कि इसलिए कि वो एक आइडल है तो स्लिम होने के बाद भी उन्हें अपने फिगर की बहुत ही ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट है। इसके साथ ही दोस्तों, जिन ने कुकिंग अपने पेरेंट्स से सीखा है और जिनकी मॉम हमेशा से ही खाने में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को अवॉइड करती है, जैसे कि चीनी और नमक, और जिन भी ठीक अपने मॉम की तरह ही चीनी और नमक को अवॉइड करते हैं खाने में, और जब भी जिन डाइट पे होते हैं तो वो सॉल्टी और शुगरी फूड्स को नहीं खाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बीटीएस मेंबर जिन बचपन से ही स्वीट और सॉल्ट बहुत ही ज्यादा कम खाते थे, इस वजह से अभी उन्हें सॉल्ट और स्वीट को स्किप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों, जिन ने बताया था कि ज्यादा सॉल्टी फूड खाने से उनकी फेस बहुत ही ज्यादा पफी हो जाती है, इस वजह से जिन जब भी खाते हैं तो वो या तो सॉल्ट नहीं खाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में सॉल्ट या शुगर खाते हैं। और दोस्तों, इसी कारण जिनकी फिगर इतनी ज्यादा स्लिम है, क्योंकि वो सॉल्ट और शुगर को बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं और फूड की जो नेचुरल फ्लेवर्स है उन्हें ही खाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बिना चीनी और नमक के खाना खा सकते हो या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।